है विसल। और जैसा आपने कहा था कि रामकुमार पहली रेड पर आएंगे और आज राइवलरी बैटल में मैं बात करूं ना रायन, तो राम वर्सेस नीति वेल का मुकाबला होगा। सीधा सीधा नीति वेल देखिए ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करेंगे और राम अक्सर पॉइंट राइट कॉर्नर या फिर लेफ्ट कवर से ही चुराते हैं। Yeah, oh, there we go. This time the left corner came through to stop him. And I think he's done a good job. And it should be. Okay, one point each. Looks like the bonus was secured. Or it's a defender who's going to go out. बिल्कुल डिफेंडर बाहर गए। विक्रम सिवा क्या पावरफुल बुलडोज कर देने वाला एफर्ट उन्होंने दर्शाया विक्रम सिवा। राम जा रहे थे पहली रेड में, क्या फ्रंटल ब्लॉक किया और लेफ्ट कॉर्नर के तौर पर देखिए जो उन्होंने वर्कलोड को मैनेज किया। हालांकि एक समय के लिए उनका पैर हल्का सा मिनी सेकेंड के लिए उठा होगा और शायद इसी वजह से कालिदास जी की पैनी निगाहों में भूषण शायद कैप्चर हो गया होगा। बट टीवी रेफरी को यहाँ पर लाना पड़ेगा गेम में बड़ी शुरुआती क्षणों में रायन। Oh yes, indeed. The very first raid, we see a review and we will hear the contention. SRM new duty challenge. No different. Nine round. Our decision. One each point. Please review. Okay. Review successful. Only nine round. One point. SRM University. चलिए यहाँ पर रिव्यू सक्सेसफुल रहा है रायन और शुरुआती पहले मिनट में हम रिव्यू की तरफ गए और वो जो नए इनोवेशन की हम बात करते हैं वो थर्ड एम्पायर की वाणी में हमने सुना और उन्होंने देखा बताया कि जूम इन करके कि विक्रम सिवा का पैर बिल्कुल मैट पर मौजूद था नहीं नजर आई है। हालांकि महासंग्राम जारी और शायद वहां पर ये आवाज बहुत ही सुनी सुनाई है बट बहुत ही अच्छा कार्य किया जो भी वहां पर मौजूद थे। माइक पर उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा और काफी अच्छा हमारे दर्शकों को भी लगा होगा। बट अब के धर्मीधरन इनकी पहली रेड में राम कुमार को शिकार बना लिया गया है। Oh yes, very nicely done. था मैं उस डाटा के साथ प्रोवाइड करा देते हैं। Oh yes, always get those amazing stats coming in and information like you said and it's so important in order to get the best of commentary out. The support from the producers as Potai comes in here. And he's done a good job there. The defender causing that error once again. And the first points will come through for Kattupudi. अंक आते हुए अपनी टीम के लिए पहले इंपॉर्टेंट कुछ अंक अर्जित करते हुए इस बार विक्रम सिवा फिर से वहां पर तैयार थे। विक्रम सिवा जा रहे थे बट इस बार थोड़ा सा एडवांस थे वहां पर क्योंकि वो एंगल पे काम करना डिफेंडर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है काफी प्रफुल्लित कर देने वाले इनके टैकल्स नजर आते हैं। बहुत ही स्ट्रेबल होते हैं काफी अच्छा लगता है वो देख कर हाई कैचिंग होते हैं काफी सारा वहां पर एक्शन इन्वॉल्व होता है बट स्टिल एंगल्स और तकनीक पर भी थोड़ा थोड़ा और काम करना। लेफ्ट फ्लैंक उनके ऊपर अटैक करने आता है तब उन्हें पॉइंट मिलते हैं। परसूट की मांग है यहां परसूट करने गए हैं अरुण कुमार टच नहीं हुआ लकीली शुरुआत में। Was the one who came in for Kattupudi Sports. Oh, slipped there. But a few more seconds. Oh, he's treating this raid as a do or die raid. He wanted the point quickly. The running and touch so fast to secure. The prayas Arun Kumar Anja Poliga. Center par jaakar touch karne ki koshish. Back here down to two is what SRM University's Marimuthu Selvam looks at a golden opportunity to inflict the all out for his team. And get the first one and inflict all pressure on SRM. There we go. Pressure is stepping in. The first defender stepped out into the lobby. And the second point had to be surrendered there. Kattupudi Sports inflicting the first all out here. जी हाँ यहाँ पर चार पॉइंट आ जाते हुए बड़ी जल्दी के साथ मरिमुथु सेल्वम वहां पर चले गए थे और दोनों टच वहां पर करते हुए नजर आए। सबसे पहले एक डिफेंडर तो पूरी तरह बाहर हो गए फिर अरुण कुमार अंजापुले ने कहा कि चलिए जब एक डिफेंडर बाहर हो चुके हैं तो मुझे बोनस चुराने का भी मौका नहीं मिलेगा। यहां पर आप अपने एक पॉइंट को गवा देते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बोनस आपको मिलता है अगर वेरी ट्रू दिस इज द बूस्टर राउंड एज वेल सो इट इज अ राउंड टू एरिन द बॉटम प्लेस टीम्स आल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देमसेल्व्स एज वी लुक एट रामकुमार 78% रेट स्ट्राइक रेट फॉर हिम ही डजंट हैव टू प्रूव हिमसेल्फ बट ही गोना हैव टू एनहांस हिमसेल्फ गेट अ लॉट बेटर ऑल लुक एट हिम पावरिंग हिज वे थ्रू डिड ही गेट थ्रू द डिफेंडर देयर सीम्स टू हैव गॉटन इट Oh no, he hasn't. It's a couple of points for Ramkumar, and that strike rate will stay intact.
शिव कुमार अंजापुली इस बार फिर से शिव कुमार अंजापुली वहां पर लेफ्ट कवर से अटैक करने गए। और जो हम राम की बात करते हैं, राम हमेशा यही कार्य करते हैं और क्यों कोई उन्हें ब्रेक नहीं कर पा रहा है, क्यों उनके जो सेगमेंट है उनकी स्ट्रेंथ को नहीं खिला रहे हैं। आप उन्हें थोड़ा सा आउट ऑफ कंफर्ट जोन तो आने दीजिए, आप क्यों राम को आगे जाकर पॉइंट दे रहे हैं, उन्हें अंदर आने दीजिए, उन्हें अपने ऑफिस को यूज करने दीजिए। उनकी लगभग 6.9 रेट पॉइंट्स पर मैच जो है के धरनीधरन के आए हैं, 5-स्टार रेडर हैं, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। राम कुमार के मैं देखूं 70% पॉइंट्स रायन उन्होंने बुलडोज करके लिया, यानी कि अपनी फोर्स का उपयोग कर लिया है। इस बार अनीश का शिकार बनाया धरनीधर ने एक बहुत ही पावरफुल और बेहतरीन किक all the way, and if a team wants to reach that the summit, the ultimate position, they're gonna have to work on all ends and all the players need to contribute some way or the other. And I'm sure in our YKS also, if you look back at all the other matches, all the other teams that's won, Arshit, of course they've had that attack, they've had that dominance coming in from both the sides. बिल्कुल सही कहा आपने, और वो मिक्सचर होना बहुत जरूरी। इस बार बहुत ही बढ़िया, इस बार बहुत ही बढ़िया अटैक। अरुण कुमार अंजापुली और शिव कुमार अंजापुली की हम लगातार बातचीत कर रहे थे कि इन दोनों के आने से जरूर एसआरएम यूनिवर्सिटी में फर्क पड़ेगा। सिक्योर दैट क्विकली फॉर एसआरएम यूनिवर्सिटी, नाउ द ओनस इज ऑन विनीत इन द लास्ट रेड हियर टू गेट अ पॉइंट, ही कैन ऑफ कोर्स गेट दैट बोनस और व्हाट द ऑल आउट। ओह देयर वी गो, द ऑल आउट हैज बीन इंफ्लिक्टेड एंड एसआरएम यूनिवर्सिटी फिनिशिंग द फर्स्ट हाफ इन स्टाइल, वेरी नाइसली डन, 3 पॉइंट्स फॉर देम, दे अवॉइडेड गिविंग द बोनस एंड देयर वी गो हर्षित, द गेम इज बैक ऑन इक्वल टर्म्स। जी हाँ, टीम वर्क की हम बात कर रहे थे एक बार फिर से पूरी टीम के तौर पर, और इस बार तो ऐसा लगा कि जैसे ट्रिपल एच वहाँ पर डिफेंडर और स्पाइन बस्ट है, सभी WWE फैन जरूर रिलेट कर पाएंगे इस मोमेंट से, और हमारी सोशल मीडिया टीम भी यूज कर सकती है, वी नेवर नो। बट नीति वेलथंग वेलू ये बिल्कुल देखिए, वो चैट अबाउट पॉइंट जो है वो दोनों टीमों के पास बराबर है, तो एक्सट्रा चाहता हूँ। बट क्या लगता है पहले आप में दोनों टीमों को देखकर कौन सी टीम आपको लग रही है कि यार इस टीम के जीतने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है? Arshit, you were earlier mentioning about a certain franchisee, right, from Bangalore, which did make the difference and come back. So, keeping that in mind, I'm going to side with the team that's trailing, but SRM University will show me a little bit of typicalness and stop the second half by getting tackled out. अच्छा टैग, but चाहेंगे कि बड़ी जल्दी वहाँ पर अच्छा प्रयास के साथ वापस आए। विनीत और अरुण कुमार अंजापुली ने सेम ड्रेसिंग रूम शेयर किया है चोला वीरज के लिए, क्या मजबूत स्कोरिंग, यू नो फोर एटलीस्ट 4 पॉइंट्स पर गेम, एंड सम मैचेस वी सी वन प्लेयर विद अ सुपर 10 मे बी स्कोरिंग 14 एंड आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ द टीम स्कोरिंग जस्ट 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स। तो निसोला डू और डायरेक्ट अरुण कुमार अंजापुली, ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन में शिवा कुमार अंजापुली का ज्यादा वहां पर इंपैक्ट देखने को मिला इस मैच में, और अरुण कुमार अंजापुली कहां कमी आज नजर आ रही, किसी एक्सपर्ट से जरूर जानना चाहिए कि रायन आपको क्या लग रहा है, क्यों इतनी बार दिस परहैप्स वन वुड बी द फैक्ट दैट द टीम इज ट्रेलिंग, बट आई स्टिल बेस्ड ऑन द कैलिबर ऑफ दोस प्लेयर्स दे डू वेल एंड हियर oh the caliber of defense not coming through, the second point given there was absolutely unnecessary and SRM digging their grave here. Putal Murugan ne kaam kar diya, Dharnidharan ko bhi shikar bana diya aur Neeti Vel ko bhi shikar bana diya, yani ki pehle aapke top raider aur top defender dono ko ek hi mabla hoga dosto, ye uti's goodi super tackle ke pehle opportunity thi SRM University ke paas, Marimuthu Selvam gaye the, unhone zyada andar jaane ki koshish nahi ki, 22-18 ka score Sanjay Rajendran, agar ye raid bhi empty hui to agli raid unki wo do or die raid hogi, jump lagane ki koshish, right corner right aim taiyar the, thodi si direction bhi jo thi wo jump ki galat sabit ho sakti thi aur high end par chain ko pakda tha to shayad dubki ek zyada behtar vikalp hota, but unke amri mein shayad dubki na ho, ye dekhiye bahut high pakdi thi chain ko aur land nahi kar paye, jump ko achhi laga di thi Ryan but wo land nahi kar paye, nahi pa la pa rahi hai ki Ram, agar hum pitch map dekhen जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं ना पिच मैप किसी बॉलर का कि उन्होंने कहां पर ज्यादा बॉलिंग की है, आपको शॉर्ट लेंथ फुल लेंथ और फुल लेंथ की ओवर पिच मैप दिख जाता है, वैसे अगर आप राम का यहां पर मैट का मैप देखेंगे ना तो उन्होंने अधिकतर राइट कॉर्नर से लेकर सेंटर तक ही फुटवर्क दर्शाया है ज्यादातर, और उन्हें 80% पॉइंट में क्लेम कर सकता हूं कि उन्होंने सिर्फ वहीं से अर्जित किए। क्या चमत्कार सा हो चुका है, के सुरेंद्र ने कहा कि मेरा अगर आप ये मैट मैप देखेंगे तो आपको कम पॉइंट्स नजर आएंगे बट इफेक्टिव पॉइंट्स नजर आएंगे, वेलामाल हॉस्पिटल सुपर रेड नजर आती हुई, और मुझे लगता है इज माय ट्रिप का बड़ी कमाल मोमेंट भी साबित हो सकता है।
Oh yes, definitely. We will get the confirmation on what is taking place there. But we are 100% going to reminisce watching that again. Take a look at this. The left corner was not in the right position in order to get that hold and the support there for the dash. आपको कैसा लगा वहाँ पर जिस प्रकार से हमारे टीवीर रेफरी ने वहाँ पर बहुत ही गंभीर अंदाज में की एंगल को देखा और बहुत ही सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया Oh, it's spectacular, Harshit. I think it allows the viewers also to get an understanding with regards to from what perspective the TV umpire is watching. And this one doesn't need any perspective to look at. It's just attack and dominance from Kattupudi Sports. And here, the two defenders again clueless as to how they gave away that point. Ryan, फिर से वही, वही से जो मैं पिच मैप, मैक मैप की बात कर रहा था। आवश्यकता इन फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव और ये राम शायद इनके नाम में क्या कमाल है अक्सर उन्हें सेम तरीके से बहुत पॉइंट्स मिले जरूर इनसे आप कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहेंगे वो डिफेंस भी गलतियां करता है और इनकी एजिलिटी और इनकी पावर इनकी सबसे बड़ी दोस्त है जिस तरह से चेन में आ रहे तो दो डिफेंडर दोनों की चेन को ब्रेक करके वहां पर निकल गए अब एस प्रकृतिश है वो रेडर को क्या फिर से बुलाना चाहिए क्या यहाँ पर पकड़े जाएंगे बिल्कुल इनकी पोजिशन पर वहां पर अटैक कर दिया है पकड़े जाएंगे रेडर ऑल आउट हो जाएंगे कटाकुड़ी को तीन अंक शायद मिल जाएंगे ये तो वही बात होगी हमें मिटा सके जमाएंगे तो पहले ही वहां पर पूरी तरह से शील्ड के तौर पर उनके सामने खड़े हो गए और उनकी बैक को पकड़ लिया उन्हें कोई भी वेट उनके लेग्स पर दिया नहीं कि वो पकड़ पाए निकल पाए मरी मुतु सेल्वम वो जो फायर ऑफ रिंग ऑफ फायर होता है ना बिल्कुल उसके बीच में से निकल गए मैं तो कहूंगा सेंटर में जाकर बोनस चुराना बिल्कुल उसी के बराबर होता है Nathi Vail hasn't done well today. It's not been an ideal day for him. Many a time he's gone in himself to stop the raiders and that's all result. He पीछे मौजूद थे यानी कि वो लेयर ऑफ डिफेंस के अंदर ही चली जा रही थी और उस लेयर ऑफ डिफेंस से बचना नामुमकिन हो चुका था सुरेंद्र के लिए अब पुत्तल मुर्गन आया टू और डायरेड है अच्छा शार्प टर्न किया था अचानक से वहां पर इस बार रैल शेप में कट किया है लेफ्ट एंड को शिकार किया है संजय बाहर है सारे यूनिवर्सिटी की दुविधाएं और परेशानियां और मनी हुज कमिंग एंड ही नीड्स टू गो ऑन दैट डिफेंसिव फ्रंट And the question is, will SRM University finish the game in this raid? Arun Kumar, your steps in for a seat. Will he take all the remaining time? He definitely has a chance to do so. Oh, looks like we will be having one more raid after this. Arun Kumar gets a couple of points off the bench here. अब यहाँ पर ये मुकाबला क्योंकि शून्य शून्य जो है वो सेकेंड बचे हैं तो ये मुकाबला समाप्त हुआ है 10 अंकों से इस मैच में शुरुआत एसआरएम यूनिवर्सिटी के अच्छे करने के पश्चात भी बहुत समय तक वहाँ पर कट्टाकुड़ी 14 से 20 मिनट तक एबी पॉइंट नहीं अर्जित कर पाई थी पहले हाफ का अंतर सिर्फ एक अंक का था बट उसके बाद भी मैनेज किया कट्टाकुड़ी स्पोर्ट्स ने इस मुकाबले को जीतना 10 अंकों की पड़ा